हेलो फ्रेंड्स, आज जीसस क्राइस्ट का एक इजी प्रोसेस में एक मूर्ति बनाएंगे। ये जस्ट आधा घंटा का काम है, फटाफट बनाया मैंने। चलिए दिखाता हूँ उसका प्रोसेस कैसे। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। ये जीआई वायर से हम लोग जो पीछे का क्रॉस है उसका आर्मेचर बना लेंगे। तो देखिए, पहले फ्लैट बैलेंस के लिए पहले एक स्क्वायर और वहां से सपोर्ट लेकर सेंटर में, तो क्या होगा, पूरा के पूरा ये खड़ा रहेगा, है ना। ये हो गया मेन बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए। और उसको घुमा घुमा के मैंने दो साइड का जो क्रॉस का ब्लॉक है ये भी बना लिया। तो चलिए अभी मिट्टी लगाता हूँ। मेरे पास नेचुरल गंगा मिट्टी है। पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और बाद में धीरे धीरे अब रेक्टेंगल, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसमें भी मिट्टी लगा के ये वुडेन क्रॉस बना लेता हूँ। ये दोनों साइड में ऐसा वुडन फिनिश होगा तो इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा तो उसमें खराब नहीं लगेगा, है ना। और ऊपर से ऐसा चेयरी से टेक्सचर बना दीजिए। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू। चलिए अभी फिगर बनाता हूँ जीसस क्राइस्ट का। पहले पैर के लिए छोटा छोटा कॉइल लगा के पहले ज्वाइन करता हूँ। आपके पास कोई फोटोग्राफ हो तो आप साथ में रखिए। अब ये बॉडी है, पहले देखिए अब पतला करके एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है मिट्टी में बना लीजिए। मिट्टी गीला है तो आप पीछे से भी सपोर्ट दे सकते हैं। ये हाथ हो गया, ये दूसरा साइड में हाथ हो गया। ये भी हेड यहां पे बना देता हूं, बाद में इसका पूरा फेस कैसे बनाए ये भी दिखाऊंगा। एक्चुअली ये बहुत कम टाइम में कर रहा हूं, आधा घंटा में फटाफट सबसे इजी तरीका से इसको कैसे आप लोग बना सकते देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। अभी धीरे धीरे टूल्स लेकर डिटेलिंग कीजिए। देखिए बहुत ही छोटा है इसीलिए इसका टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, सिंप्लीफाइड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जब आप लोग भी घर में
कैसे इसको बना सकते हैं। इसको आर्मेचर नहीं करना, मतलब नहीं करेंगे तो आप इसको लिटा के भी कर सकते, बाद में सूख जाएगा, तो किसी चीज़ से इसको सपोर्ट देकर, मतलब पेस्ट कर आप खड़ा कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आर्मेचर बनाने का प्रोसेस यहाँ पे ये भी दिखा दिया। बहुत सारा फ्रेंड ये वीडियोस देखकर अच्छा अच्छा काम किया, मैं देखा, मेरे को भेजते तो मेरे को भी अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर बनाया आप लोगों ने, और भी ट्राई कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। आपको वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ बोलने से भी नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखना ही है सबसे अच्छा स्टडी, कहाँ पे कार्विंग कर रहा हूँ, कहाँ पे टूल्स में स्मूथ कर रहा हूँ, कहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा सिंपल करके हाथ कैसे बना रहा हूँ। पतला सा क्लॉथ, इसको भी डिटेलिंग कर दीजिए। इस टाइप का फिगर में आपको टाइम देना चाहिए, जैसा मैं आधा घंटा में इसको कंप्लीट किया, तो ये और भी टाइम देने से और भी अच्छा होता, डिटेलिंग करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ इसको स्टार्ट कीजिए, जितना टाइम मिले इसको कीजिए, नहीं तो ढक दीजिए, उसको फिर से ट्राई कीजिए, और फोटोग्राफ देखिए, किसी फोटोग्राफ को फॉलो कीजिए, क्योंकि आर्ट ऐसा ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रोमिनेंट होगा, सुंदर होगा। ये देखिए फेस का भी डिटेलिंग देखिए, ये हाफ इंच से थोड़ा ज्यादा होगा फेस साइज, तो इतना ही छोटा है, फिर भी जितना हो जाए मैं फटाफट आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए इसमें एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उस सिचुएशन को आपको दिखाना है। बीच बीच में आप ब्रासिंग कीजिए, और भी जो डिटेलिंग है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का काम आप लोग स्टार्ट कीजिए, मेरे को भेजिए, और मेरा चैनल पर रहिए। प्लीज़ मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा लगा और क्या करना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट कीजिए। और मेरा अपलोडेड जितना वीडियोस है पूरा एक बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।